अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेक्टर्स एंड टेंसर एनालिसिस के इस वीडियो लेक्चर के अंदर आप सीखेंगे कि लाइन इंटीग्रल्स को किस तरह से डिफाइन किया जाता है, लाइन इंटीग्रल्स की ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है जो अक्सर स्टूडेंट्स को नहीं आती, और इसके अलावा आप सीखेंगे कि लाइन इंटीग्रल्स की जनरल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं। तो स्टार्ट करते हैं। लाइन इंटीग्रल्स को डिफाइन करने के दो तरीके हैं, एक तरीका स्केलर फंक्शंस के लिए है और दूसरा तरीका वेक्टर फंक्शंस के लिए। हम दोनों डिस्कस करेंगे। तो पहले हम सीखेंगे कि स्केलर फंक्शंस के लिए लाइन इंटीग्रल्स को किस तरह से डिफाइन किया जाता है। इसके लिए आप एज्यूम करें कि आपके पास एक स्केलर फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स वाई एंड सी। ये फंक्शन डेफिनेटली स्पेस के किसी रीजन के ऊपर डिफाइंड है जो इसकी डोमेन है, और जनरली ये किसी सरफेस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। लेकिन जब आप इसका लाइन इंटीग्रल डिफाइन करेंगे तो आपको एज्यूम करना पड़ेगा कि ये फंक्शन किसी कर्व सी के ऊपर डिफाइंड है और ये कर्व जो है इसकी डोमेन के अंदर मौजूद है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि इस कर्व का कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जिसके ऊपर ये फंक्शन अनडिफाइंड हो, इसके सारे पॉइंट्स के ऊपर फंक्शन डिफाइंड है। ठीक है, ये इसकी पहली अजम्पशन है। दूसरी अजम्पशन है कि ये फंक्शन इस कर्व के ऊपर कंटिन्यूस हो, ठीक है, या एटलीस्ट पीस वाइज कंटिन्यूस हो। ठीक, यानी कि इसके हर एक पॉइंट के ऊपर ये फंक्शन जो है ये कंटिन्यूस होना चाहिए, या एटलीस्ट फाइनाइटली मैनी पॉइंट्स ऐसे होने चाहिए जिनके ऊपर जम्प्स आते हैं या डिसकंटिन्यूटीज आती हैं। ठीक है, ऐसा क्यों है ये मैं आपको सिखा दूंगा। दूसरी बात ये है कि आपका कर्व जो है ये क्या होना चाहिए, स्मूद होना चाहिए, या एटलीस्ट पीस वाइज स्मूद होना चाहिए। ठीक है, ऐसा क्यों होना चाहिए ये भी आप आज इसी लेक्चर में सीख लेंगे, लेकिन पहले आपको सीखना पड़ेगा कि स्मूथ कर्व होता क्या है। जिन स्टूडेंट्स को पता है वो यहाँ से आगे कर सकते हैं और वीडियो को स्किप करके थोड़ा सा आगे कर लें। जैसे आप लोगों को पता है कि कंटिन्यूस कर्व क्या, रफ मीनिंग ये है कि एक ऐसा कर्व जिसको आप पेंसिल उठाए बगैर, बॉल पॉइंट उठाए बगैर बना सकते हैं, वो क्या होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं, जैसा कि ये। ठीक है, तो इसका एक रफ मीनिंग है। अगर आप इस आपको इसको ड्रॉ करने के लिए आपको पेन उठाना पड़ता है जैसा कि ये, तो ये कंटिन्यूस नहीं रहता। ठीक है, किन पॉइंट्स पर ये डिसकंटिन्यूस हो जाता है ये आप देख सकते हैं, एक्स एक्सिस के इस पॉइंट के ऊपर ये डिसकंटिन्यूस है, जम्प आ रहा है, लेकिन ये पीस वाइज कंटिन्यूस है, ये चीज़ें तो आपको पता है। बिल्कुल इसी तरह से स्मूथ कर्व का रफ मीनिंग ये है कि ऐसा कर्व जिसको आप स्मूथली ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि ये वाला एक कर्व जो कि साइन वेव का मैंने एक पीस ले लिया, ये मैंने स्मूथली ड्रॉ किया, देयरफॉर इट इज अ स्मूथ कर्व। लेकिन जो पहले ड्रॉ किया था उसकी तरह का अगर ये कर्व आप कंसीडर करें, ये जिसके अंदर स्पाइक्स आ रहे हैं, अब इस कर्व के अंदर क्या हो रहा है, आपने इनिशियली स्मूथ मूव किया, लेकिन जब आप यहाँ पर पहुँचे तो आपको एक शार्प टर्न लेना पड़ा, एक सडन टर्न लेना पड़ा, तो और आपको यहाँ से नीचे की तरफ प्रोसीड करना पड़ा। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक कॉर्नर प्रोड्यूस हो जाएगा। सेम हैपन्स हियर, सेम हैपन्स हियर एंड हियर। ठीक है, इन सब जगहों पर कॉर्नर्स आ जाते हैं और इन कॉर्नर्स की वजह से ये कर्व स्मूथ नहीं रहता। ठीक है, जिनके अंदर शार्प एजेस आते हैं, शार्प कॉर्नर्स आते हैं, ऐसे कर्व्स किसी सूरत में स्मूथ नहीं होते। लेकिन अगर आप इसको कॉर्नर टू कॉर्नर देखें, यहाँ से फर्स्ट कॉर्नर तक देखें आपने स्मूथली मूव किया, फिर फर्स्ट कॉर्नर से सेकंड कॉर्नर तक देखें आप दोबारा से स्मूथली मूव करें, यानी कि इसका जो ये फर्स्ट पीस था ये स्मूथ था। ठीक है, फर्स्ट कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक का जो पीस था ये क्या था, ये भी स्मूथ था। इसी तरह से कॉर्नर टू कॉर्नर जितने पीसेज आ रहे हैं ये क्या है, इसके स्मूथ हैं। ऐसे कर्व को हम क्या कहते हैं, ये है तो ओवरऑल स्मूथ नहीं, ये पीस वाइज स्मूथ है। ऐसे कर्व यानी कि स्मूथ और पीस वाइज स्मूथ कर्व लाइन इंटीग्रल्स की डेफिनेशन के लिए वैलिड है। ठीक है, अगर किसी कर्व के अंदर फाइनाइटली मैनी कॉर्नर्स आते हैं तो फिर वो पीस वाइज स्मूद है, लेकिन उसमें अगर इनफाइनाइट कॉर्नर्स आते हैं तो वो स्मूद नहीं है, और ऐसे कर्व्स को हम लाइन इंटीग्रल्स की डेफिनेशन में यूज़ नहीं कर सकते। ये तो इसका रफ मीनिंग था
अब इसके प्रॉपर मीनिंग पे आते हैं, जो इसका मैथमेटिकल मीनिंग है। हम ये सीख चुके हैं कि कर्व क्या होता है और इसकी पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, ये पिछले लेक्चर के अंदर हम सीख चुके हैं। सपोज करें इस कर्व की पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन है आर ऑफ टी, ये वेक्टर है। अगर ये कर्व स्मूथ है तो फिर इसकी पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन का जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो एग्जिस्ट करेगा और कंटिन्यूस होगा इसकी डोमेन में, यानी कि टी जहाँ से अपनी वैल्यूज रिज्यूम कर रहा है, जिस इंटरवल से अपनी वैल्यूज रिज्यूम कर रहा है, वो तो इसकी डोमेन बन जाएगी, ठीक है, इस पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन की। उस पूरी डोमेन के ऊपर ये डेरिवेटिव जो है ये एग्जिस्ट करना चाहिए और कंटिन्यूस होना चाहिए, तब जाके ये कर्व क्या हो जाएगा, ये आपका स्मूथ हो जाएगा, ठीक हो गया। या फाइनाइटली मैनी पॉइंट्स के ऊपर ये डिसकंटिन्यूस हो, ठीक है, यानी जंप्स आते हैं उनमें, फिर जाके ये पीस वाइज स्मूथ हो जाएगा। अच्छा, इसका क्या मीनिंग है, अब इस यहाँ से मैं आपको प्रॉपर ज्योमेट्रिक मीनिंग पर लेकर आता हूँ कि स्मूथ कर्व क्या होता है। अगर आपको पता है तो प्लीज आप थोड़ी सी आगे कर लें वीडियो, नहीं पता तो फिर इसको कंटिन्यू रखें, अपना स्मूथ कर्व दोबारा से कंसिडर करें। ये क्या चीज है, अगर मैं आपसे पूछूं ये डेरिवेटिव है इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, तो आप सबको पता होगा कि दिस रिप्रेजेंट्स द स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, ठीक है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन को। एक चीज जरा नोट करें, इस पॉइंट पर आप क्या कर सकते हैं, एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ये इसका टेंजेंट वेक्टर है, फिर इस कर्व का इस पॉइंट पर भी आप टेंजेंट वेक्टर ड्रॉ करते हैं, इधर भी ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पर आके ये टेंजेंट वेक्टर जो है ये फ्लैट हो जाता है, एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल हो जाता है, फिर इसके बाद जो है कुछ ऐसे ये टेंजेंट वेक्टर ऐसा बनना शुरू हो जाता है। इस टेंजेंट वेक्टर की स्लोप को जरा देखें, क्या है यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक स्लोप है इस टेंजेंट वेक्टर की, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे आप आगे की तरफ जाना शुरू जाते हैं तो ये स्लोप क्या आना शुरू जाती है, डिक्रीज होना शुरू हो रही है, ठीक है, और इस जगह पर आकर जहाँ पर ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाता है टेंजेंट, इस जगह पर आकर ये स्लोप जीरो हो जाती है, यानी इसका डेरिवेटिव भी यहाँ पर जीरो हो जाता है, ठीक है। अब जरा इसका बिहेवियर चेक करें, अगर आप यहाँ पर आर प्राइम ऑफ टी ड्रॉ करते हैं वाई एक्सिस के ऊपर और हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर आप टी ले लेते हैं, यहाँ पर देखें इसको आप इनिशियल पॉइंट माने, यहाँ पर स्लोप ज़्यादा है, जैसे जैसे आप आगे जा रहे हैं स्लोप यानी इसकी ऊंचाई या ढलवान स्टीपनेस जिसको कहते हैं उसकी मेजर क्या हो रही है, कम होना शुरू हो रही है, यहाँ पर आके मजीद चढ़ाई कम होगी और यहाँ पर स्लाइड यहाँ पर बिल्कुल ही फ्लैट हो गई है, तो यानी कि इनिशियली ये ज़्यादा थी और फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या आना शुरू होगी, कम होना शुरू होगी, ठीक है, और एक वक्त आया यहाँ पर आकर ये कितनी होगी, ज़ीरो होगी। तो ये मतलब कि या तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा हुआ होगा, ठीक है, या तो ऐसा हुआ होगा, ठीक है, तो इन दोनों में से कोई सा भी हो सकता है, तो मैंने ये वाला ले लिया, वैसे ही अपनी सिंप्लिसिटी के लिए आप दूसरा भी ले सकते हैं। तो हो रहा क्या है कि आपके पास टेंजेंट वेक्टर जो है इस स्मूथ कर्व के लिए कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है, पहला पॉइंट गौर से सुने कि स्मूथ कर्व के लिए आपका जो टेंजेंट वेक्टर है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से आपके पास जो स्लोप का ग्राफ आ रहा है या इस टेंजेंट वेक्टर की जो स्लोप है, यानी कि ये चीज ये क्या बन रही है, ये कंटिन्यूस कर्व बन रहा है, ठीक हो गया। इसी तरह से जब यहाँ पे जीरो से जब आप आगे आना शुरू हो गए तो आपको नजर आ रहा है कि ये स्लोप कैसे, सॉरी ये टेंजेंट कैसा हो गया, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो इसकी स्लोप क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, ये तो ये चीज़ें आपको पता है, तो यहाँ से आगे ये क्या आना शुरू हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, आगे मजीद नेगेटिव होना शुरू हो जाता है, तो मतलब कि कुछ ऐसा सीन आ रहा है। लेकिन इस सारे प्रोसेस के दौरान आपने देखा कि आर प्राइम ऑफ टी का जो ग्राफ है ये क्या रहा, कंटिन्यूस रहा, ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि स्मूथ कर्व की दो खसूसियात हैं, पहली खसूसियत ये है कि इसके पॉइंट टू पॉइंट जो टेंजेंट वेक्टर है वो क्या होगा, कंटिन्यूस मैनर के साथ चेंज होगा, ठीक, और दूसरी प्रॉपर्टी इसकी ये है कि इस टेंजेंट वेक्टर की जो स्लोप है इसका ग्राफ कैसा आएगा, कंटिन्यूस आएगा, तो इसलिए हम डायरेक्टली कहा करते हैं कि स्मूथ कर्व एक ऐसा कर्व होता है जिसकी पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन का फर्स्ट डेरिवेटिव पूरी डोमेन में एग्जिस्ट करता हो
और उसी डोमेन में कंटिन्यूअस भी हो। सिंपल वर्ड में एक ऐसा फंक्शन, स्मूथ कर्व क्या होता है, एक ऐसा कर्व है या फंक्शन है जिसका फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो क्या हो, एग्जिस्ट करता हो, स्मूथ करता हो। ये एक शॉर्टकट है, आप याद रखिएगा। तो होपफुली आपको स्मूथ का स्मूथनेस का समझ आ गया हो। अब कोई नॉन स्मूथ कर्व देखें। ये स्मूथ, ये तो पहले वाले ही आप कंसीडर करें। यहां से यहां तक तो आपको नजर आ रहा है ये स्मूथ है, लेकिन इसके आगे क्या हुआ देखें, स्लोप देखें टेंजेंट वेक्टर की, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, शुरू में जीरो थी, यहां पर आकर स्लोप इसकी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ठीक है, यानी कि इसकी जो स्लोप है वो कुछ इसका ग्राफ r प्राइम ऑफ t का ग्राफ वर्सेस t कुछ ऐसा बन रहा है, जीरो से इंक्रीज हो रही है, होती जा रही है और एक जगह पर मैक्सिमम होगी। ठीक है, लेकिन जैसे ही इस पॉइंट को क्रॉस किया तो ये स्लोप कैसी बनेगी, ये टेंजेंट लाइन कैसे ही बनेगी, ऐसे बनेगा टेंजेंट वेक्टर, और इसकी स्लोप क्या होगी, नेगेटिव होगी। यानी यहाँ से अचानक इसने ड्रिफ्ट किया, शिफ्ट किया किधर की तरफ, नेगेटिव वैल्यू की तरफ, तो यहाँ से आगे क्या हो गया, ये नेगेटिव वैल्यू इसकी आ गई। ठीक है, मजीद नेगेटिव हुए जा रहा है। बहरहाल कुछ ऐसा हो रहा है, मतलब कुछ ऐसा सीन आ रहा है आपके पास, इसका कर्व जो है वो ऐसा बन रहा है। क्या ये कंटिन्यूस है, ये कंटिन्यूस नहीं है, लेकिन ये पीस वाइज कंटिन्यूस है। हाउएवर जो स्मूथ कर्व नहीं होते उनमें जो r प्राइम ऑफ t का ग्राफ है या r प्राइम ऑफ t वो कंटिन्यूस नहीं होगा। होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा और आपको पहली दफा समझ आया होगा। अब आगे चलते हैं एक स्टेप आगे। इन सब assumptions के बाद आप इस फंक्शन का ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। पहली assumption थी कि ये फंक्शन इस कर्व के ऊपर डिफाइंड हो, दूसरी इस पर कंटिन्यूस हो, तीसरी कर्व जो है वो क्या होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए, तब जाके आप इस फंक्शन का लाइन इंटीग्रल डिफाइन कर सकते हैं। क्या होता है लाइन इंटीग्रल, इसकी डेफिनेशन क्या है, मैथमेटिकल डेफिनेशन पे आते हैं और फिर हम आगे ग्राफ पे आएंगे जिससे आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। हम इसको ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है, ds लिया मैंने। ds क्या चीज है, पहले यहां पर जो चीजें यूज हो रही हैं वो देखें। ds क्या है, ये जो आपका कर्व है इसका एक छोटा सा एलिमेंट है, इसको हम डिफरेंशियल या लाइन एलिमेंट कहते हैं, डिफरेंशियल एलिमेंट या लाइन एलिमेंट। ठीक है, इसका और ये सारी क्वांटिटी क्या कहलाती है, दिस इज लाइन इंटीग्रल ऑफ दिस फंक्शन ओवर दिस कर्व सी। ठीक हो गया, और इस कर्व सी को किस तरह से लिया गया है, पॉजिटिव सेंस में लिया है। ठीक है, पॉजिटिव सेंस से क्या मुराद है, आई थिंक ये मैंने आपको बताया हुआ है पिछले लेक्चर में। जब भी आप लाइन इंटीग्रल को डिफाइन करते हैं तो आपका जो कर्व होता है इसको, इसकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन दी जाती है जिसको हम एरो से शो करते हैं। ये वाला जो पॉइंट है ये क्या है, आपका इनिशियल पॉइंट, और ये वाला पॉइंट टर्मिनल पॉइंट है। लेट ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ठीक है, पॉजिटिव सेंस कहते हैं इसको या इंक्रीजिंग सेंस कहते हैं। इससे ये मुराद है जिसमें आपकी जो टी था आपका पैरामीटर वो क्या होना शुरू हो जाए, इंक्रीज होना शुरू हो जाए। ठीक है, यहाँ पे आपके पैरामीटर की इनिशियल वैल्यू थी, लेट करें वो टी वन थी, और यहाँ से पैरामीटर इंक्रीज होना शुरू हो जाता है और यहाँ पर आके पैरामीटर की फाइनल वैल्यू आ जाती है वो टी एन है सपोज करें। ठीक हो गया, तो इस डायरेक्शन में यानी डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग टी की सेंस में जो आप कर्व लेंगे वो कौन सी सेंस होगी, पॉजिटिव सेंस होगी। इसको रिवर्स कर देते हैं तो ये इसकी नेगेटिव सेंस कहलाएगी। ठीक है, अच्छा, तो ये तो नोटेशन थी कि आप लाइन इंटीग्रल को डिनोट किस तरह से किया करते हैं स्केलर फंक्शंस के लिए। ठीक है, अगर आप पैरामीटर क्या ले लेते हैं, एक्स ले लेते हैं, कुछ कुछ क्वेश्चंस के अंदर हम अपनी सिंप्लिसिटी के लिए, अपनी कन्वीनियंस के लिए पैरामीटर को कोऑर्डिनेट एक्सिस में से कोई ले लेते हैं, तो फिर इस केस में आपके पास लाइन इंटीग्रल क्या बन जाएगा, अगर आप एक्स एक्सिस को पैरामीटर के तौर पे ले रहे हैं तो ये डी एस की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा, डी एक्स आ जाएगा, और यहाँ पर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएंगी, जो आपका पॉइंट ए था इनिशियल पॉइंट, उस पॉइंट के ऊपर एक्स की क्या वैल्यू थी, लेट करें एक्स वन थी, वो वाली वैल्यू यहाँ पर लगेगी, और ऊपर जो है पॉइंट बी जो आपका टर्मिनल पॉइंट था उसकी एक्स वैल्यू लगेगी। ठीक हो गया,
सी जो है वो पॉजिटिव सेंस में लिया जाएगा, इंक्रीजिंग सेंस में इंक्रीजिंग टी की डायरेक्शन में लिया जाएगा हमेशा। और इसी तरह से आप अगर पैरामीटर वाई रखते हैं तो फिर उसमें यहाँ पर डी वाई आ जाएगा और यहाँ पर वाई वैल्यूज आ जाएंगी टर्मिनल पॉइंट्स के ऊपर। तो इसी तरह से जी एक्सिस के लिए भी डिफाइन कर सकते हैं। ये तो छोटी सी इसकी नोटेशन हो गई थी। डी एस क्या चीज़ है ये मैं आपको बताऊंगा कि ये किसके इक्वल होता है। स्क्वायर रूट ऑफ डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर प्लस डी जी स्क्वायर। ठीक है, टू डायमेंशनल कर्व लिया तो फिर खाली डी वाई स्क्वायर तक आएगा और ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स एंड वाई आएगा। बहरहाल अब हम चलते हैं ज्योमेट्रिकल डेफिनेशन के ऊपर। ठीक है, इसका क्या मीनिंग है तो इसको ज़रा आप गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा। आप अपना कर्व सबसे पहले ड्रॉ करें, इसके लिए आपको कोऑर्डिनेट एक्सिस चूज करने हैं। लेट करें ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जी एक्सिस है। ठीक है, सिंपलिसिटी के लिए आप अपने कर्व को एक्स वाई प्लेन के अंदर ले लें। आप स्पेस के अंदर भी ले सकते हैं लेकिन सिंपलिसिटी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ इसको जस्ट यहाँ पर ही ले रहा हूँ। ठीक है, ये आपका कर्व है। कर्व क्या है, सी है, पॉजिटिव सेंस में लिया जा रहा है तो इसलिए मैं यहाँ पर एरो भी लगा लेता हूँ। ठीक हो गया। और मैंने कहा था कि ये फंक्शन किसको रिप्रेजेंट करे, किसी सरफेस को रिप्रेजेंट करे। तो सपोज करें कि ये किसी बाउल को रिप्रेजेंट करे, कर्व को यहाँ तक रहने दें ताकि डायग्राम सिंपल बने। लेट करें ये जो सरफेस है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एफ ऑफ एक्स वाई एंड। ठीक है, ये आपका फंक्शन इस सरफेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखें इस पॉइंट यानी कि कर्व के इनिशियल पॉइंट के करिस्पॉन्डिंग इसके ऊपर फंक्शनल क्या वैल्यू बनती है, फंक्शन की क्या वैल्यू बनती है वो देखें। इसी तरह से आपने दूसरे पॉइंट्स भी रखने। पहले आप क्या करें, आप अपने कर्व को इन पीसेस के अंदर डिवाइड कर दें। मैंने थोड़े से शुरू में पीसेस ले लिया। ठीक है, इनमें जो पहला पीस है यहाँ से लेकर यहाँ तक लेट करें ये पॉइंट ए वन है, ये पॉइंट ए टू है, ए थ्री ए फोर एंड अप टू सो ऑन फाइनल वाला पॉइंट ए एन है। ठीक है, एन पॉइंट्स के अंदर मैंने इस कर्व को डिवाइड कर दिया या एन पीसेस के अंदर। पहले वाला पीस ए वन से लेकर ए टू तक लेट करें इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, लेट करें डेल्टा एस वन है। ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग फंक्शनल क्या वैल्यू बनती है वो देखनी है आपने। आपने इस पॉइंट से डायरेक्टली अबव जाना है, सीधा ऊपर जाना है। ठीक है, और सपोज करें कौन सी वैल्यू बन गई, ये वाली जगह फंक्शन की वैल्यू बन गई। इसी तरह से दूसरे पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो है वो क्या बन जाती है, ये कैप के ऊपर ये वाली जगह। ठीक है, और सपोज करें कि इसके करस्पॉन्डिंग फंक्शन की क्या वैल्यू बन गई, इस कर्व यानी ए वन से लेकर ए टू डेल्टा एस वन यानी कि इसके करस्पॉन्डिंग फंक्शन का ग्राफ ये है। ठीक है, ये जो मैंने ब्लैक वाला पोर्शन बनाया हुआ है। इसी तरह से यहाँ से लेकर यहाँ तक इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा दोबारा से, और सपोज करें ये यहाँ तक आते हैं यानी कि पॉइंट ए थ्री के करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू इस जगह पर है, ये वाला पॉइंट है। ठीक है, और अज्यूम करेंगे जो ये दूसरा पीस बन रहा है जिसको हम डेल्टा एस टू कहेंगे यानी कि ए टू से लेकर ए थ्री तक, इसके करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू ये वाली बन रही है, ये वाला इसका पोर्शन आ रहा है। ठीक हो गया, इसी तरह से आप इस पूरे कर्व के लिए इसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, और मैं अज्यूम करूँगा कि ये कुछ ऐसे है और इसके बैक साइड पर गया और फिर वहाँ से वापस आया और वापस इधर, ये कुछ ऐसी इसकी फंक्शनल वैल्यू बन रही है। अब आपने क्या करना है कि देखना है कि ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक्चुअली इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक रेक्टेंगल बनाना पड़ेगा। आप क्या करें, जो आपने पहला पीस बनाया था इसको अलहदा से कर दें। ठीक है, मैं इस चीज़ को थोड़ा यहाँ पर बना लेता हूँ। ये आपका पॉइंट ए वन है और ये वाला पॉइंट ए टू है। ठीक है, और इसके करस्पॉन्डिंग फंक्शनल वैल्यू ये है और इसके करस्पॉन्डिंग फंक्शनल वैल्यू ये है और इसके ग्राफ जो फंक्शन का है वो ये बन रहा है इसके करस्पॉन्डिंग और ये वाली आपकी डेल्टा एस थी वो ये है डेल्टा एस वन। ठीक हो गया,
तो इसके करस्पॉन्डिंग आप रेक्टेंगल बना लें ये वाला, ऑलमोस्ट रेक्टेंगल है प्रॉपरली। अगर रेक्टेंगल बनाते हैं तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इसको ऐसे करना पड़ेगा और ये थोड़ा सा बीच में क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा। सही हो गया। अच्छा तो ये आपने क्या बना दिया, एक रेक्टेंगल बना दिया, इसका जरा एरिया निकालें। यहाँ पर इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ से एक वैल्यूएशन पॉइंट लेना पड़ेगा, ठीक है। उसको कोई सा भी नाम दे दें, लेट करें इस वैल्यूएशन का जो नाम है, इस वैल्यूएशन पॉइंट का नाम है x1, x y1 एंड z1, ठीक है। इसके करस्पॉन्डिंग फंक्शन की क्या वैल्यू आ रही है, फंक्शन की वैल्यू ये वाली आ रही है, और लेट करें ये क्या बनती है, एफ ऑफ x1 y1 z1, ठीक हो गया। तो चूंकि ये रेक्टेंगल है, अगर आप इसको देखें इसके अंदर क्या है, डिफरेंशियल एलिमेंट के साथ फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप अपने फंक्शन वैल्यू को इस डिफरेंशियल एलिमेंट डेल्टा एस वन के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या चीज़ आ जाएगी, एफ ऑफ x1 y1 z1 मल्टीप्लाइड विद डेल्टा एस वन। ये चीज़ क्या है, ये इसकी लेंथ है और ये क्या है, इसकी विड्थ है या हाइट समझ लें, यानी कि ये वाली जो क्वांटिटी है वो इस रेक्टेंगल के एरिया को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक हो गया। इसी तरह से अगली वाली चीज़ यानी कि आपका डेल्टा एस टू, इसके साथ आप मल्टीप्लाई कर दें दूसरे वैल्यूएशन पॉइंट के ऊपर फंक्शनल वैल्यू को, एफ ओफ x2 y2 z2 को, तो फिर आपके पास जो अगले रेक्टेंगल आएगा यानी ये वाला पीस आएगा उसका एरिया आ जाएगा, ठीक हो गया, जो इस तरह से आप शेड कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो इसी तरह से आप क्या करेंगे, इन सारे पीसेस के ये जो तकरीबन रेक्टेंगल्स बन रहे हैं इनके एरियाज को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो फिर आपके पास तकरीबन ये वाला जो रीजन है या ये वाला जो आपके पास ये आ जाती है इसका एरिया बन जाएगा, सही हो गया। तो यही काम आपने यहाँ पर करना है, यानी कि सिंपल वर्ड्स में आप क्या कर रहे हैं, सम कर रहे हैं एफ ऑफ एक्स आई वाई आई जी आई मल्टीप्लाइड विद डेल्टा एस आई, ठीक है। डेल्टा एस आई क्या होगी, करस्पॉन्डिंग लेंथ है, एलिमेंट लेंथ है, और आई कहाँ से कहाँ पर वेरी कर रहा है, वन से लेकर एन तक, ठीक हो गया। यानी कि ये प्लस से इससे नेक्स्ट वाला, फिर प्लस अप टू सो ऑन फाइनल वाला यानी एन वाला, एनथ पीस। तो ये वाली क्वांटिटी आ गई। अब आपने क्या करना है, क्योंकि आपने देखा कि बीच में एरर्स आ रहे थे, उन एरर्स को किस तरह से ख़त्म किया जाएगा, जब आप क्या करें इनफाइनाइटली मैनी पीसेस के अंदर अपने कर्व को डिवाइड करें, ठीक है। तो इस केस में यानी कि जब आप लिमिट लेंगे, लिमिट एन अप्रोचेस इन्फिनिटी लेंगे, तो फिर आपके एरर्स ख़त्म हो जाएंगे। उस केस में जो ये वाली चीज़ है वो क्या बन जाएगी, आपका लाइन इंटेग्रल बन जाएगा। यानी सिंपल अल्फाज में लाइन इंटेग्रल किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, इस सरफेस के बिलो आने वाला एरिया अबव दिस कर्व, ठीक हो गया। इसको क्या चीज़ रिप्रेजेंट करेगी, ये आप का लाइन इंटीग्रल इस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो ये अगर मैं इसको बनाऊं तो ये कैसा बन रहा है, यहाँ पर ऐसा, फिर ऐसा और ऐसा समथिंग, और फिर इसके नीचे जो है वो क्या चीज बन रही है, नीचे आपका कर्व है ऐसे। तो ये वाली चीज जो है ये आपका लाइन इंटीग्रल होगा, ठीक है। लाइन इंटीग्रल इस एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। जैसे एक फ्लैग लहरा रहा होता है उसका स्नैपशॉट ले लें, वैसा होगा। तो होपफुली आपको कुछ समझ आया होगा कि लाइन इंटीग्रल का जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग है वो क्या है, सही हो गया। वेक्टर्स के लिए भी बिल्कुल इसी तरह से डिफाइन किया जाता है, और ज़रा नोट करें कि ये चीज़ बिल्कुल वैसे ही है जैसे डेफिनेट इंटीग्रल का ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है, ठीक है। और इसी तरह से हम डबल इंटीग्रल्स और ट्रिपल इंटीग्रल्स को भी डिफाइन किया करते होते हैं। तो होपफुली आपको ये थोड़ी बहुत चीज़ें समझ आ गई होंगी। वेक्टर्स की नोटेशन क्या है, एक्चुअली पिछले लेक्चर के अंदर मैं आपको बता चुका हूँ कि वेक्टर्स के लिए लाइन इंटीग्रल्स को किस तरह से डिफाइन किया जाता है। आप जस्ट उसकी ज्योमेट्रिकल शेप पे
थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। एक्चुअली आपने दोबारा से उस एरर को ज़रा कंसीडर करें, आपने जो रेक्टेंगल बनाया था वो कुछ इस शेप का था, ठीक है, और ये वाली चीज़ इसकी क्या आ रही थी, ये एरर था। आपको क्या आप रिज्यूम करना पड़ेगा कि ये आपका एक वेक्टर फंक्शन है, ठीक है, और इसकी जगह इन स्केलर पॉइंट्स की जगह ये किसका फंक्शन है, आर ऑफ टी का, यानी पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन का, ठीक है। तो अब इस फंक्शन का आपने ये वाला पीस ले लिया जैसे वहां पर लिया था ये वाला पीस, और ये चीज क्या हो जाएगी, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो इसका मतलब हुआ कि ये इसका क्या है, एक्स कंपोनेंट है, ठीक है। एज्यूम करें कि एक्स एक्सिस के साथ ये कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, तो ये चीज क्या हो जाएगी, एफ मल्टीप्लाई कॉस थीटा, ठीक हो गया। तो यहां पर क्या आ जाएगा, आपके इस जगह पर आपका बन जाएगा एफ कॉस थीटा, एरो नहीं लगेगा क्योंकि कंपोनेंट है, एफ कॉस थीटा आ जाएगा, और इसके आगे क्या आ जाएगा, डी एस की जगह डी आर आ जाएगा, ठीक है। अब ये चीज क्या बन जाएगी, एफ डॉट डी आर, ठीक हो गया। तो इसलिए जब हमने वहां पर इसको डिफाइन किया था तो हमने वेक्टर्स के लिए इसका लाइन इंटीग्रल कुछ इस तरह से डिफाइन किया था। अच्छा, एक चीज के यहाँ पर डी एस जब वो स्केयर रूट एक्स स्केयर प्लस स्केयर रूट डी एक्स स्केयर प्लस डी वाई स्केयर किस तरह से आया, ये जो आपका छोटा सा पीस था ये आपका डी एक्स है और ये वाला पीस जो है ये डी वाई है। अगर आप इसको क्या करते हैं, बहुत छोटा करते हैं, यानी लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी बनाते हैं, तो फिर जो ये वाली चीज़ है ये क्या बन जाती है, एक ट्राइंगल बन जाती है जिसकी ये वाली बेस डी एक्स है और ये जो आपकी परपेंडिकुलर है वो डी वाई है और ये चीज़ आपका क्या है, डी एस है, ठीक है। ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये आपके इक्वल आ जाएगा, कहते हैं इसको पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो ये डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर आता है, ठीक हो गया। ये मैंने एक्चुअली यहाँ पे फंक्शन के लिए मैंने आपको बता दिया, लेकिन ये फंक्शन के लिए नहीं है, सिर्फ कर्व के लिए है, तो आप वहां पे कर लीजिएगा इसको। अच्छा, तो अब आपने क्या करना है, यहां से मैं आपको बताऊंगा कि वो कंटिन्यूटी की कंडीशन क्यों यूज की थी हमने और स्मूथनेस की कंडीशन क्यों यूज की थी। कंटिन्यूटी की कंडीशन तो सिंपल है, फंक्शन अगर कंटिन्यूअस होगा तभी जाके इसका डेफिनेट इंटीग्रल डिफाइंड होगा जैसे वहां पर था, ठीक है। अब इसी तरह से लाइन इंटीग्रल के लिए भी आपका जो फंक्शन है वो क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए, तब जाकर ये क्या होगा, या पीस वाइज कंटिन्यूअस होना चाहिए, तब जाके क्या होगा, ये डिफाइंड होगा। आप लोगों ने अगर मेरी रेमान इंटीग्रल वाली वीडियो देखी हुई है उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि आपका जो ये फंक्शन है ये क्या होना चाहिए, ये कंटिन्यूअस होना चाहिए आपके गिवन इंटरवल के ऊपर, तब जाके इसका रिमान इंटीग्रल एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। यह कंडीशन या दूसरी कुछ कंडीशंस हैं जो आप रियल एनालिसिस के अंदर पढ़ सकते हैं कि ये जो फंक्शन है ये क्या आना चाहिए, इसका डेफिनेट इंटीग्रल उस वक्त एग्जिस्ट करता है जब ये पीस वाइज कंटिन्यूअस हो, ठीक है, यानी कि फाइनेटली मैनी पॉइंट्स के ऊपर डिसकंटिन्यूटीज जो हैं वो वैलिड हैं। तो सेम केस जो इधर भी आ जाता है, तो मेन पॉइंट क्या है, आपका जो इंटेग्रेंड है वो क्या होना चाहिए, हर हाल में कंटिन्यूअस होना चाहिए। अब इसको पीस वाइज इसको स्मूथ क्यों होना चाहिए, उसकी रीजन यहाँ से समझ आ जाती है। हमने पिछले लेक्चर के अंदर कहा था कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए से लेकर बी जो इसकी जो पैरामीटर है उसकी डोमेन के टर्मिनल पॉइंट्स हैं, तो एफ डॉट डी आर बाय डी टी, फिर इसके आगे क्या लग जाता है, डी टी, सही हो गया। ये वाला अब आपका क्या बन गया, इंटेग्रेंट बन गया। अब इंटेग्रेंट को क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। एफ तो हमने क्या एज्यूम कर लिया, कंटिन्यूअस है। अब ये भी जाके जब कंटिन्यूअस होगा तभी जाके ये ओवरऑल क्या होगा, कंटिन्यूअस, क्योंकि दो कंटिन्यूअस फंक्शन जो हैं अगर उनका प्रोडक्ट लें वो प्रोडक्ट भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो इसलिए हमने कहा था कि इसको भी हर हाल में कंटिन्यूअस होना चाहिए, अगर ये कंटिन्यूअस है तो आपका कर्व डेफिनेटली क्या होगा, स्मूथ होगा। तो ये चीज़ थी जिसकी वजह से हमें अजम्पशन करनी पड़ी स्मूथनेस की। तो होपफुली आपको इसके लाइन इंटीग्रल की मीनिंग और इसकी डेफिनेशन समझ आ गई होगी।
इसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझ आई होगी जो इम्पोर्टेंट थी। अब फाइनली हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं। ये सिंपल सी हैं बहुत ही, आपने पढ़ी हुई भी होंगी, जैसे लाइन इंटेग्रल्स की होती हैं बिल्कुल वैसी हैं। ये आपका कर्व सी है और आपका जो इंटेग्रेंड है एफ डॉट डी आर, इसको लेट करें आप किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आप इस कांस्टेंट को इस इंटेग्रल से बाहर ला सकते हैं बिल्कुल डेफिनेट इंटेग्रल्स की तरह। ये इसकी पहली प्रॉपर्टी होगी। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी ये है कि अगर आपके पास दो फंक्शंस आ जाते हैं एफ वन प्लस एफ टू, ये आपके इंटेग्रेंट के अंदर आ गए फिर डॉट डी आर, तो आप क्या कर सकते हैं इनके लाइन इंटेग्रल्स को सेपरेट कर सकते हैं एफ वन डॉट डी आर प्लस एफ टू डॉट डी आर। ठीक हो गया, एरोज आएंगे इनके ऊपर। तो ये तो सिंपल डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन, जैसे डॉट प्रोडक्ट को आप क्या कर सकते हैं उसका रूल अप्लाई करके यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगा सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, उसके मुताबिक इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई किया जाता है, डेफिनेट सी बात है। इसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी है, अगर आप सी की सेंस को रिवर्स कर लेते हैं ठीक है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, साथ में माइनस लगाना पड़ेगा ठीक है। तो ये चीज़ होगी। अब जो चौथी प्रॉपर्टी है वो ये है कि सपोज करेंगे आपका जो कर्व था वो पीस वाइज स्मूथ था, यानी कि सपोज करेंगे वो कुछ ऐसा था, ये पॉइंट ए है ये पॉइंट बी है। इस केस में अब ये क्या बन रहा है, ये सी वन और ये सी टू, ओवरऑल स्मूथ नहीं है लेकिन पीस वाइज क्या है, स्मूथ है। इस केस में आपका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, आप लिखेंगे कि आपका जो इंटीग्रल सी जो था वो टोटल कर्व था वो किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा सी वन एफ डॉट डी आर प्लस सी टू एफ डॉट डी आर ठीक है। उस केस में जब आपका जो कर्व है वो दो पीस वाइज स्मूथ कर्व्स पर मुश्तमिल है ठीक है, या दो स्मूथ कर्व्स के ऊपर मुश्तमिल है, तब आप ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं और इस प्रॉपर्टी को आगे जनरलाइज भी कर सकते हैं ठीक है जी। तो होपफुली आपको इसी तरह से इन प्रॉपर्टीज को भी जनरलाइज किया जा सकता है ठीक है। तो होपफुली आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।